लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भाजपा विधायक संजय पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। कटनी जिले के विजय राघव गढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने शनिवार को कहा कि मुझ पर बहुत दबाव है, मुझे भाजपा छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, मेरी जान को लगातार खतरा है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में प्रशासन ने संजय पाठक के रिसॉर्ट पर शनिवार को बुलडोजर चलाया। प्रशासन का कहना है कि रिसॉर्ट को ध्वस्त करने से पहले भूमि अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने रिसॉर्ट को ध्वस्त कर दिया। वही संजय पाठक का कहना है कि यह सरकार द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बता दें कि संजय पाठक का नाम कथित रूप से विधायकों को खरीद फरोख्त में भी आया था, हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मेरे ऊपर भारी दबाव लगातार बना हुआ है, आज भी मेरे ऊपर दबाव है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई बढ़ती जाएंगी, ना केवल आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदार के ऊपर, बल्कि आपके मित्रों के ऊपर भी बढ़ेगी। और मेरे एक दो मित्रों के यहाँ नोटिस भी पहुंच गए और उनके यहाँ भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय, उनके यहाँ भी छापा डालने की कार्रवाई करेंगे। एक को घर गिराने के नोटिस आ गया, जिसका घर लगभग 90 साल पुराना घर है, उनको घर गिराने का नोटिस आ गया। तो ये जो आज कार्रवाई की गई है साइना टाइगर रिजॉर्ट को तोड़ने की, मेरे परिवार का है, और उस पर सीधे 7 दिन पहले नायब तहसीलदार एक नोटिस भेजते हैं कि 7 दिन के अंदर शासकीय भूमि में बने हुए निर्माणों का आप तोड़, अवैध निर्माणों का आप तोड़ लें, नहीं तो हम उसको गिरा देंगे। आज कि मेरे अब हत्या का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वरना मेरा PSO क्यों वापस लिया गया, मेरे को इस प्रकार से गाड़ी अड़ा के क्यों रोका गया। और आज भी मुझे बोला गया कि अभी भी समय है, आप निर्णय ले लें, वरना ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। क्या आपने इसको पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई है किसी थाने में? देखिए, मैंने पार्टी फोरम में अपनी बात रखी है, शाम के सारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, वो जो निर्णय लेंगे मैं वो कार्य करूंगा। मैंने तो इतना भी बोला, कल किसी ने बोला किसका बेटा हूं, क्या हूं, क्या नहीं, मेरे पिता के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने परिवार का व्यापार बंद कर दिया, 1,000-1,200 लोगों का रोजगार भी खत्म कर दिया, एक ही आय का जरिया, हमने कोई सरकार से पैसा नहीं कमाते, कोई ट्रस्टों को नहीं, या कोई दलाली करके पैसा नहीं कमाते, व्यापार से हमारा परिवार पैसा कमाता है, आपने वो खत्म कर दिया, रिजॉर्ट गिरा दिया, हमारे ऊपर हमले करने, हमारे अपहरण करने का प्रयास किया। अब मैं पूज्य पिता स्वर्गीय पिताजी के मित्र से कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरी माताजी बची हैं, मेरी पत्नी है, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे, इनको आप मार दीजिए, लेकिन डरूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, भाजपा नहीं छोड़ूंगा अंतिम सांस तक, ये मार डाले। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।